और ये हो गए हमारे 10 यूरो से। नमस्कार दोस्तों, मनोज नाथ हेयर, एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो से देख ही रहे होंगे कि मैं फ्रांस में हूं। सो दोस्तों, आज मेरे पास ये करारा 10 यूरो का नोट है और ये एक तरह की चैलेंज मैं कर रहा हूँ। और चैलेंज क्या, इसे कहूँगा कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट कि व्हाट आई कैन बाय ऑन 10 यूरो इन फ्रांस। सो अभी मैं जिस जगह पे हूँ फ्रांस की, इसका नाम है सेंट नज़ेर, कोई नज़ेर और नज़ेर, समथिंग लाइक दैट। मैं प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी सी गलत हो रही है सो माफ़ कीजिएगा। सो अभी मैं ये 10 यूरो चैलेंज हर यूरोप के जिस सिटी में भी जाऊंगा और दुनिया में कहीं भी जाऊंगा, ये 10 यूरो चैलेंज ज़रूर करूंगा। सो अभी मेरे सामने एक मार्केट है पीछे, सो मैं वहां जाके देखता हूं कि व्हाट आई कैन बाय फ्रॉम दिस 10 यूरो। सो देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं हम फ्रांस में 10 यूरो में, और फिर आगे इन फर्दर फ्यूचर में और यूरोपियन सिटीज़ में भी देखेंगे। और अभी हर बार मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा 10 यूरो चैलेंज इन जर्मनी, 10 यूरो चैलेंज इन फ्रांस, 10 यूरो चैलेंज इन इंग्लैंड, आप लोग समझ जाना। ये फर्स्ट वीडियो है इस तरह की, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अभी बिना देरी किए होते चलते हैं अंदर सुपरमार्केट के अंदर और देखते हैं कि व्हाट वी कैन बाय इन 10 यूरो। तो दोस्तों, एक जूस लिया ट्रॉपिकाना का, $2.65। दोस्तों, एक ये ऑर्गेनिक टमाटो जूस है जो कि $1.40 का है, 2 यूरो का। दोस्तों, एक ये काजू का पैक लिया है जिसकी प्राइस है €2.85। और ये हो गए हमारे 10 यूरो से भी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा 10 यूरो का चैलेंज पसंद आया होगा और आने वाले फ्यूचर में ऐसी और ज़्यादा वीडियो आएंगी, क्योंकि जिस कंट्री में मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ ये 10 यूरो चैलेंज ज़रूर करूँगा। डजंट मैटर कौन सी करेंसी है यार, क्या उसका जियोग्राफिकल लोकेशन है, 10 यूरो ही रहेगा उसको इक्विवेलेंट करके किसी भी कंट्री की करेंसी में, जितने भी पैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग। होप यू लाइक दिस 10 यूरो चैलेंज, और आने वाली फ्यूचर की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और ऐसे ही मोर 10 यूरो चैलेंज आने वाले, और मेरी रेगुलर वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे।